Hello, good morning guys. Hope you're all well and keeping yourself fit and fine. Long time no see. मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काम पे बिजी था. आज स्टोरी ये है कि यहाँ पे आया हूँ मैं. अब देखिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ का. हर काउंटी में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें स्विमिंग पूल, जिम और ये सब जो और एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको बताऊँगा, तो वो सारा इंक्लूडेड होता है. तो मैंने कहा उसकी मेंबरशिप लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरा भी पेट वगैरह बाहर आ गया बैठ बैठ के, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं. ये साल के लिए मेंबरशिप होती है, तो आजकल ऑफर लगी हुई है, देखते हैं एक्सरसाइज करके. मोना भी आएगी साथ में, तो अगर फैमिली पैक होगा तो फैमिली पैक लूँगा, नहीं तो फिर हम दोनों ले लेंगे, मैं और मोना. तो चलो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हिमाचली फैमिली इन आयरलैंड. हम आपको अपडेट देते रहेंगे कैसे कैसे हमारी लाइफ है यहाँ पे, क्या क्या करते हैं हम लोग. तो आप बने रहिए और चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके तो ये यहाँ का जिम है मेरे पीछे, दिख तो अच्छा रहा है, देखेंगे. मेंबरशिप मैंने कहा फैमिली की ले लेता हूँ. दिख तो अच्छा रहा है, देखते हैं. तो हमने मेंबरशिप ले ली है 800 यूरो की. इसमें वो डिस्काउंट था, नॉर्मली ये 1000 से ऊपर होगी, पर इसमें स्विमिंग पूल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये डिफरेंट क्लासेज है, फिटनेस क्लासेज के लिए उन्होंने दे दिया, तो वो फ्री होगा सब कुछ. और जिम भी काफ़ी बड़ा है, एक तरफ तो देसी स्टाइल है जैसे बेंच प्रेस वगैरह होते हैं, और दूसरी तरफ जो मशीनें वगैरह. को लेने आया हूँ, मैंने कहा इसको पिक कर लेता हूँ, इसका स्कूल यही है. अश्मिता तो तैयारी कर रही है टेस्ट की, तो उसका जैसे आपके वहाँ नीट वगैरह टेस्ट होते हैं ना, वैसे उसका टेस्ट होगा इस ईयर, तो वो उसकी तैयारी कर रही है, वो घर में ही है. और मोना काम पे है, उसकी आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, 3:30 बजे वो घर तकरीबन पहुँच जाती है. तो देखते हैं, फैमिली मेम्बरशिप ले ली है, अब देखो कैसे कैसे कौन कौन क्या करता है, तो एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आर्यन को स्कूल से मैंने पिक कर लिया है. हाँ भी कैसा था स्कूल? इट्स गुड. गुड? यू वांट टू से हेलो? हेलो. आज बायोलॉजी क्लास, वी डिड एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी क्लास. ऑलराइट, ओके. या वाज इट गुड? या जस्ट एक्सपेरिमेंट फॉर स्टार्ट. बायोलॉजी वन वाज फॉर ग्लूकोस. ओके. थोड़ी थोड़ी बारिश लग पड़ी है, थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है. अब यहाँ पे तो ठंडी है वैसे, इंडिया के जैसे नहीं है. तुम लोगों को जाना पड़ी, अच्छा देख रहा है, तुम लोगों को जाना पड़ी. हाँ रेडी है, हाँ रेडी है ना. हाँ हाँ जवान रेडी. हाँ हाँ. और ये आशु बना रही है फुलके यहाँ पे. हाँ भाई आर्यन. हेलो. हाँ थैंक यू. क्या है? वेक्स. अच्छा, नंबर वगैरह कुछ? आर्यन को डंबल मिले हैं. ये वो स्पिन बार बार मे बी इनसाइड, वी हैव अ लुक. ओ ये लुक, वी हैव एवरीथिंग विद इट.
Thank you. Alright. Happy with that? Yeah. Alright. You make them up. You can adjust them. And then you go ahead this way. Alright, okay. Just take them out, everything first. Have a look. Small plates bhi hain iske saath? Yeah, these are 1 kg. These are 2.5. Achha, 2.5 kitni hai? Or we have plates. More. Yeah, take them out. So there's 4 1 kg. So total ye mere khayal mein wo adjust kar sakte hain na, aur bhi buy kar sakte hain. Hai na? Ha, pehle to dekh lena, jab bada ho jayega to aur buy kar lena. आरएन की एक्सरसाइज हो रही है ना, तो लग पड़ा एक्सरसाइज करने। अच्छी बात है। और मोना भी ड्यूटी से आ गई है। हम कूपन इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ हम टेस्को के कूपन इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ, शॉपिंग करने चल रहे हैं। आशु भी जा रही है। क्लब कार्ड के कूपन साथ में। और शॉपिंग करके आते हैं ना जल्दी जल्दी, तो कल तुम लोगों को टाइम बच जाएगा फिर थोड़ा। हाँ है ना, फ्राइडे को शॉपिंग करना अच्छा रहता है, सैटरडे संडे सेव हो जाते हैं उससे। हाँ हाँ, अभी आई है जॉब से, पर थक नहीं गई है? थक तो गई है। ये कभी धुप्पा लग जा रहा है ना, कहीं कभी वो मौसम खराब हो जा रहा है। हाँ, पहले मुझे ठंड लग पड़ी थी, मैंने जैकेट डाल ली है ना। हाँ, इनकी गायें बाहर ही हैं, अभी अगले महीने करेंगे अंदर ही, जब स्नो वगैरह पड़नी शुरू हो जाएगी ना। हाँ, ये वाले लेने हैं कि ये वाले भी हैं, कौन से अच्छे लग रहे हैं? कई बार ना वो खट्टे भी होते हैं। वो ना देखना भला कौन से वाले लेने हैं। ये वाले स्वीट है ना, ये स्वीट इजी पिलर। नो, वो नहीं है, ये वाले स्वीट इजी पिलर। हैंड पिक लिखा पर ही। हाँ हाँ, ये कर ले। तो ये मोना लेती है, इससे वो अनसॉल्टेड बटर है, तो इससे हम जोत के लिए घी बना लेते हैं, तो 1 किलो हो जाता है। इससे खाने को भी अच्छा होता है। हैलोवीन का स्टफ लग गया, हैलोवीन आ गई है। हैं, तुम लोग छोटे छोटे थे तो यहीं आ जाते थे तुम लोग। यहीं घूमो है, चला गया? नहीं नहीं, यही है। कोई कुछ चेज तो नहीं कर रहे हैं? हैं, फिर से आ गया वापस मोना। कपड़े ट्राई कर लिए तूने ना? Yes. अच्छे हो गए? Yes. एक्सरसाइज के लिए कपड़े? अच्छा, अच्छे हो गए, एक्सरसाइज करनी है अब। अच्छा, जिम में? Yes. तो ये हम लोग लेकर आए हैं ब्लो टॉर्च। ये ऐसे है, इसका सिलेंडर साथ में है, और ये मेरे ख्याल में इसको लगाते हैं। और ये जो जड़ी बूटियाँ जम जाती हैं ड्राइववे पे, उनको जलाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं चला के, आप बने रहिए, ठीक है?
वैसे जल जाएगी, पेट्रोल डाल के मिटाइए। वैसे इससे तो उतनी देर लगे रहना ना, वो तो बड़ा टाइम लगेगा ना। नहीं ये बूटी है ना, ये खत्म हो गई है, पेट्रोल से जलानी पड़ेगी या तो इसको उखाड़ना पड़ेगा। उखड़ती भी नहीं है हाथ से ना अच्छे से, ये ग्रीन ग्रीन सब से ना ये उखड़ता भी नहीं है अच्छे से। आज बनी है मूंगी की दाल और फुलके, तो मूंगी की दाल हमें अच्छी लग जाती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है। आशु को भी अच्छी लगती है ना? यस, है ना। हाँ हाँ, तो आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और देखते रहिए हिमाचली फैमिली इन आयरलैंड। ओके, से बाय बाय।